राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की 11 सूत्री मांगों को लेकर बुधवार को रोडवेज बस स्टैंड परिसर में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई। मोर्चा सचिव राकेश तिवारी ने कहा कि 11 सूत्री मांग लंबित है, जिसे सरकार ने अभी तक पूरी नहीं की है। छठे चरण के अंदर भीतर राज्य में 2 दिन का धरना जारी है और यदि मांगे स्वीकार नहीं होने पर अक्टूबर माह में चक्का जाम किया जाएगा। आपके 11 सूत्री मांगे हैं, नई भर्ती और नई गाड़ियाँ और बकाया रिटायरमेंट कर्मचारियों का भुगतान, बकाया भुगतान है अगस्त 2016 के बाद अभी तक उनका भुगतान नहीं हुआ है। रिटायरमेंट कर्मचारियों का जो बेनिफिट होते हैं इनके, वो नहीं दिए गए और 1 तारीख को पेंशन और वेतन मिलना चाहिए कार्यरत कर्मचारियों को, वो भी नहीं मिल रहा। इन सभी मांगों को लेकर के संयुक्त मोर्चे ने ये आंदोलन शुरू किया है। तो अब उस चरणबद्ध आज हम छठवें चरण का आंदोलन है और इसी क्रम में हमारे लगातार 27 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम जारी रहेंगे। 27 तारीख की मध्य रात्रि को हम हड़ताल पर चले जाएंगे। ये प्रोग्राम पूरी तरह से है, 11 सूत्री मांगे हैं उनके लिए पूरा करने के लिए। ऐसा है, बीजेपी सरकार के टाइम पर राजस्थान रोडवेज के लिए कुछ ऐसे कानून बना दिए गए जिसमें कि इस रोडवेज को बंद करने के व्यवस्था पैदा कर दी। उनके द्वारा ये नियम बनाए गए कि रोडवेज की गाड़ियाँ नई नई खरीदी जाएंगी, नई भर्ती नहीं की जाएगी और राष्ट्रकृत जो मार्ग थे उन पर प्राइवेट गाड़ियों को परमिट दे दिए गए, उनको अराष्ट्रकृत कर दिया गया और चौथा एक प्राधिकरण बना दिया गया बस अड्डों का जिस पर प्राइवेट गाड़ियाँ भी चलेंगी। स्लो पॉइजनिंग था इस रोडवेज को बंद करने के लिए। वो जानते थे कि धीरे धीरे रोडवेज की गाड़ियाँ बूढ़ी जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, नई परचेज नहीं करेंगे, गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, लोग रिटायर होंगे, नई भर्ती नहीं होगी, खत्म हो जाएगा। अराष्ट्रीय करने के बाद निजी गाड़ियों को परमिट दे ही दिए गए थे। तो उनका जो प्लानिंग था बड़ा स्पष्ट था कि इस रोडवेज को बंद करें, उसके खिलाफ रोडवेज कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा बनाकर बाकायदा लड़ाइयाँ लड़ी, उस समय स्ट्राइक तक हुई और मीनवाइल कांग्रेस इलेक्शन आ गए। इलेक्शन के टाइम पर से पहले ही कांग्रेस ने ये वादा किया हमारे साथ कि अगर हमारी सरकार आई तो रोडवेज कर्मचारियों के जो जितनी भी समस्या है उनका हम समाधान करें। लेकिन हुआ क्या, राज्य सरकार आ गई कांग्रेस की, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी इस बात को लिखा कि रोडवेज कर्मचारियों की जो समस्या है उनका समाधान किया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उसके खिलाफ भी फाइट किया हमने, लेकिन दुर्भाग्य से कर्मचारियों का दुर्भाग्य था कि कोरोना आ गया, जिसकी वजह से बीच में करीब 1 साल तक 1.5 साल तक पाबंदियाँ लग गई, प्रदर्शन पर, धरनों पर इस तरह की पाबंदियाँ लग गई, जिसकी वजह से हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब वापस फिर लड़ रहे हैं रोडवेज कर्मचारी और बाकायदा मांग कर रहे हैं इस बात के लिए। ये छठा हमारा जो आंदोलन है धरने की तरह, पूरे राजस्थान के अंदर आज धरना चल रहा है 2 दिन का, जो तो हमारे चरणबद्ध प्रोग्राम है जो 27 अक्टूबर तक हड़ताल तक जाएगा। और हमारे स्पष्ट मानता है कि कांग्रेस ने भी अगर अपना वादा पूरा नहीं किया तो आज तो धरने ही 2 दिन के लग रहे हैं। आगे जो हमारे विभिन्न चरणों में दूसरे प्रोग्राम भी आएंगे, उसमें स्टेट प्रोग्राम भी आएगा और फिर भी इन्होंने नहीं माना तो 27 अक्टूबर को पूरे राजस्थान में अंदर चक्कर जाम।